हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में फोकस यही रहेगा कि आपको बताने की ऐसी बैटरी कैसे बनाएं। ये बैटरी लिथियम आयरन फॉस्फेट 5 यूनिट की बैटरी है, ठीक है। और ये सिर्फ बस इन्वर्टर में बस ये लगती है, बस ये है इसका पॉजिटिव और ये है निगेटिव। चार्जिंग डिस्चार्जिंग सब कुछ इन्वर्टर के द्वारा कंट्रोल होता है। तो इस बैटरी को बनाने में जो भी सामान लगता है वो सब आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा, ठीक है। जैसे ये प्लाईवुड का जैसे टेबल है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो नहीं बना सकते, ठीक। तो जैसे मेरे पास ये 16 सेल्स हैं, ये दिख रहे हैं आपको 16 सेल्स। तो अगर आपके पास भी ये सभी चीज़ें हैं, जैसे ये सेल्स हैं, बस बार है और ये BMS है, BMS के कनेक्शन लीड है और बाकी ये 16 square mm का तार है, तो अगर आपके पास भी ये इतनी सारी चीज़ें हैं तो आप भी ऐसी बैटरी बना सकते हैं सोलर एनर्जी स्टोरेज के लिए, ठीक है। तो ये बैटरी का जो भी सारा स्पेसिफिकेशन है, इमेज है, वो सब मैं आपको स्क्रीन पे भी फ़ोटो में दिखा दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बैटरी असेंबल कैसे है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये एक प्लास्टिक का ट्रे है, इसमें ये चारों 16 सेल ये बहुत अच्छे से फिट हो गए हैं, ठीक है, वो दिख रहा होगा। तो ये 16 सेल रखे गए हैं और इन सभी सेल्स के बीच में शॉर्टिंग ना हो, इसलिए आप देख सकते हैं कि एक पतला सा ये ग्रीन कलर का क्या बोलते हैं प्लास्टिक का लाइनर ऐड किया है। जैसे आप देख रहे होंगे हर दो सेल के बीच में लाइनर है, यहाँ बीचों बीच भी लाइनर रन किया है, ऐसे ये आपको दिख रहा होगा। तो सभी सेल, तो हर सेल के साइड में और बीचों बीच एक लाइनर रन किया हुआ है, क्योंकि सेल का जो ये होता है मेटल होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है। ये जो प्लस है और ये मेटल है, ये इस पर ब्लू कलर की ये प्लास्टिक चढ़ी होती है, ये पॉजिटिव होता है। ये दोनों आपस में कभी फ्यूचर में शॉर्ट ना करें, इससे बचने के लिए प्लास्टिक का सेपरेटर लगाया जाता है। उसके बाद कुछ लोग करते हैं कि ये यहाँ ऐसे दो प्लाईवुड लगाएंगे और सेल्स को दबा देंगे ताकि सेल्स एक्सपेंड ना हो। तो मतलब ये छोटे छोटे सेल है, मतलब ये 100 ah के सेल है, मतलब इसलिए कंप्रेस करना ज़रूरी नहीं है। तो मतलब मेरा काम डक्ट टेप से ही हो गया है, तो ये सेल पूरा ऐसे लाइन से डक्ट टेप मारा हुआ है, ये भी फोटो में आपको मैं दिखा दूँगा, ठीक है। तो बाकी सेल्स असेंबल करना बहुत ईजी है, मतलब सारे सेल लाइन से मतलब ऐसे रखने हैं, जैसे आपके पास 16 सेल से 48 वोल्ट की बैटरी बनती है, ठीक है। अगर आपको 12 वोल्ट चाहिए तो ऐसे सिर्फ 4 सेल से बन जाएगा, 24 वोल्ट चाहिए तो ऐसे सिर्फ 8 सेल से बन जाएगा, 48 वोल्ट में ये 16 सेल लगेंगे, ठीक है। तो जैसे तो शुरुआत करते हैं, मतलब सबसे पहले बस बार लगाना होता है, ठीक है। जैसे ये एक बैटरी का माइनस है, ये एक प्लस है, फिर नेक्स्ट बैटरी ऐसे अरेंज करनी है कि बस बार के ठीक सामने नेक्स्ट बैटरी का प्लस रहे, ठीक। और इस तरह से बैटरी को सीरीज में करते हैं, मतलब एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरे बैटरी के नेगेटिव, तो उस तरह से ऐसे ऐसे को बस बार सीरीज में करना पड़ेगा। और उसी तरह ये BMS के लीड है, ये भी आप देख सकते हो। तो ये जो B- है, जो मेन बैटरी सीरीज कनेक्शन में सबसे नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है, वो है B-, वो है ये। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो ब्लैक कलर का वायर है ये घूम के यहाँ लग रहा है सबसे मेन बैटरी के माइनस में। ये सेल्स हैं, सेल 16 सेल सीरीज में कनेक्ट होकर एक बैटरी बनी, तो बैटरी का जो मेन नेगेटिव है वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये वायर लगा है, पहला वायर। उसी तरह B1
बी वन मतलब कि माइनस के बाद पहला कनेक्शन कौन सा है, बैटरी पॉजिटिव, बैटरी वन का पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, उसमें ये तार लगा है। उसी तरह ये सेकेंड बी टू जो है सेकेंड बैटरी के पॉजिटिव में लगा है, ठीक है। उसी तरह थर्ड बैटरी का पॉजिटिव, फोर्थ बैटरी का पॉजिटिव, फिफ्थ बैटरी का पॉजिटिव, ये लाइन से ये तार ऐसे कनेक्टेड है। तो आपको ये सारे तार ऐसे ही दिख जाएंगे आपको, हर टर्मिनल पे सिर्फ यही है, बैटरी का कनेक्शन है और बीएमएस की लीड है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको कहीं हर जगह आपको दिखा सकता हूँ, ठीक। उसके बाद इसको बीएमएस में, इस केबल को बीएमएस में कनेक्ट करने से पहले एक बार वोल्टमीटर से चेक कर लेना चाहिए कि सभी जगह पे वोल्टेज सही आ रहा है कि नहीं। इसके लिए आप मतलब कुछ और यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, ठीक। और बीएमएस में दो टेम्परेचर सेंसर दिए होते हैं, तो एक टेम्परेचर सेंसर मतलब बैटरी के टॉप पे है, एक टेम्परेचर सेंसर मैंने लगाया है बैटरी के साइड में, ठीक है। यहाँ पे ये आपको लीड दिख रहा होगा टेम्परेचर सेंसर का, तो ये बीएमएस जो है 24 सेल सपोर्ट करता है, लेकिन अपने पास 16 सेल ही है, तो बाकी के जो अनयूज्ड 8 तार है वो मैंने मतलब अलग से निकाल दिए, ये एम्प्टी है, ये कि कहीं बैटरी में नहीं जा रहा, ठीक। और आपको एक खास बात ये रखनी है कि जो बैटरी का पॉजिटिव है, जो सबसे लास्ट तार है, और जो आपके बैटरी B16 का जो पॉजिटिव है, वो दोनों कॉमन है, इसलिए आपको ये दिखेगा कि ये दो तार बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में है और यहाँ से ये बैटरी का पॉजिटिव निकला हुआ है जो सीधे इन्वर्टर जाता है, और BMS कनेक्ट होगा, BMS का B माइनस बैटरी के माइनस से कनेक्ट होगा, P माइनस सीधे इन्वर्टर के माइनस से कनेक्ट होगा। और ये एक पतली सी एक्रेलिक की सीट इसलिए लगाई गई है ताकि बैटरी के ऊपर मतलब BMS रखा जा सके, सपोर्ट मिल सके। तो इस बैटरी में मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको ये 16 बैटरीज हैं, बैटरी के बीच में सेपरेटर लगा है, साइड में भी लगा है, सेंटर में भी एक लंबा सा सेपरेटर लगा है, मतलब ये ऐसा ही दिखता है आपको, ये इसमें से कटा है, ये आपको दुकान पे मिल जाएगा सेपरेटर लगाने के लिए। इस तो अभी ध्यान से, इस बैटरी का जो चार्जिंग वोल्टेज है हर एक सेल का मतलब मैक्सिमम 3.65 वोल्ट होता है, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा कभी जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप 3.45 या 3.5 तक भी अगर चार्ज करेंगे तो भी बैटरी फुल चार्ज होती है, मतलब 3.65 तक पूरा ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 3.45 अगर आप मतलब 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वोल्टेज की वैल्यू आएगी उतना ही बस आपको वोल्टेज तक चार्ज करना है, और बाकी बैलेंसिंग का काम आप मतलब भी फुल चार्ज होने पर बीएमएस में बैलेंसिंग ऑन कर सकते हैं। तो ये बैटरी आराम से मतलब 15-20 साल एकदम आराम से ये जाएगी, रोज चार डिस्चार्ज होने के बावजूद। एक बात और, ये जो टर्मिनल्स हैं ये मतलब एल्यूमिनियम के हैं, और इन नट्स को टाइट करते समय आपको बहुत ही मतलब हाथ से सावधानी से टाइट करना पड़े, अगर ज़्यादा टाइट कर दिया तो ये चूड़ी जो है पूरी बेकार हो जाएगी, मतलब ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बस उतना ही टाइट करना है जितना ज़रूरी हो, ठीक है। और ये BMS की सेटिंग पे मतलब एक वीडियो मतलब आप मतलब ऑनलाइन बहुत जगह से देख सकते, ठीक है। इस जेके बीएमएस को कैसे सेट करते हैं उस पर बहुत सारा वीडियो ऑनलाइन उपलब्ध है, मैं आपको अपनी सेटिंग का स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आप चाहें तो एक छोटा सा एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं, उसके बाद ये श्राउड लगा के गर्मियों में बैटरी ज़्यादा हीट ना हो ये भी कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही,